तो दोस्तों ये जो इंजन ऑयल है ना, ये मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपनी गाड़ी में डलवाओ। बहुत ही घटिया और बहुत ही वाहियात इंजन ऑयल है। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली तारीफ कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्यों तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा क्यों है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AR ब्रदर्स। आज की डेट में भारत में ऐसी बहुत सारी मोटरसाइकिल की दुकानें हैं जहाँ पर ये इंजन ऑयल सेल किए जाते हैं। इन इंजन ऑयल को डलवा के अपनी गाड़ी की ज़िंदगी झंड करवा सकते हो। कैसे, इसका रीज़न क्या है? देखो, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इंजन ऑयल के बारे में नहीं जानते, जिनको नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ मैकेनिक पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और उसके बिहाब पे गाड़ी की सर्विस कराते हैं। तो उस सिचुएशन में मैकेनिक क्या करता है, उस भरोसे का फ़ायदा उठा के आपकी गाड़ी में ये वाला ऑयल डलवाता है। अब ये जो ऑयल है प्यारा सा, ये एक्चुअली में प्यारा भी है और एक्चुअली में बेकार भी है। कैसे? अब देखो, ये जो इंजन ऑयल का डिब्बा है, इस इन दोनों डिब्बों में से अगर बात की जाए, इन दोनों डिब्बों में से एक डिब्बा जो है इंजन ऑयल का, वो है 170 रुपये का, और एक डिब्बा है 310 रुपये का, जो कि मुझे काउंटर सेलिंग से पड़ा है किसी दुकानदार से। मैं उस दुकानदार का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा मामला। भारत में ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे इंजन ऑयल सेल किए जाते हैं। अब आप मेरे हाथ में इंजन ऑयल जो देख रहे हो, वो बता नहीं पाओगे कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है। देखो यार, कैस्ट्रोल का डिब्बा, अगर हम आपको कैस्ट्रोल की बात करें तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग जो होती है, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वो कैस्ट्रोल की होती है, और जिसकी वजह से ये ऑयल बहुत ही जल्दी बिकता है, बहुत जल्दी सेल होता है। ऐसा नहीं कि ऑयल ख़राब है, ऑयल बहुत ही अच्छा है, मैंने पर्सनली बहुत यूज़ किया, ऑयल बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑयल है, बहुत ही बढ़िया। तो इससे भी अच्छे अच्छे ऑयल आते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ इस ऑयल की। इस ऑयल को इतना ज्यादा बेचा जाता है मार्केट में कि इस ऑयल के बिहाब पे कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जिन्होंने ये ऑयल डुप्लीकेट निकाल दिया कंपनी के अंदर, मतलब डुप्लीकेट निकाल दिया एक तरह से। अब ये अगर खाली डिब्बा, अगर आपकी एक मोटरसाइकिल की दुकान है तो आप खाली डिब्बा इसको रखोगे ना आप, तो जो ऑयल बेक, मतलब एक होता ना खाली डिब्बे प्लास्टिक लेने वाले आते हैं, वो स्पेशली ये एक डिब्बा आपसे सिर्फ 5 रुपये से 7 रुपये का लेके जाएंगे। हालांकि प्लास्टिक की कीमत बहुत कम है, बट ये एक डिब्बा अगर साबुत एकदम फ्रेश डिब्बा हुआ तो आपसे वो एक डिब्बा 5 से 6 रुपये का खरीद के जाएंगे, और उसके बाद वो डिब्बे को आगे सेल कर देते हैं। वो डिब्बे के जो स्टिकर होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, और उसके बाद उस डिब्बे पर पॉलिशिंग वगैरह होके उसमें ऑयल दोबारा डाला जाता है और वो सप्लाई के तौर पर बेचा जाता है। ये होती है मार्केटिंग डुप्लीकेसी की। अब उस चीज़ से कैसे बचाया जा सके अपनी गाड़ी को? देखो यार, अगर हम अपनी गाड़ी में ऑयल डलवाना है किसी मैकेनिक की दुकान पे जाके, तो हम उस पर सिर्फ ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है तो हम, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी को वहाँ छोड़ जाते हैं, जिनकी गाड़ी के अंदर मैकेनिक ऑयल डालता है, और अपनी गाड़ी में ऑयल डलवाने के बाद आप उस गाड़ी को चलाते हो रोड पर नॉर्मली। ऑयल डलने के बाद आप पता नहीं लगा पाते कि गाड़ी में ऑयल लोकल है, ओरिजिनल है, कैसा है कैसा नहीं। सिर्फ आपका ट्रस्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस मैकेनिक के लिए। अब ऐसा नहीं कि हर मैकेनिक ऐसा करता है, कुछ चुनिंदा ऐसी, अब कॉमन सी बात है, जब ये ऑयल बिक रहा है तो बिकता भी होगा, जब ये ऑयल आप मार्केट में मिल रहा है तो बिकता भी होगा, कॉमन है ना, तो बिकता होगा तो भी लगता भी होगा। अब यही ऑयल अगर अपनी गाड़ी में आप डलवाओगे, बहुत ही लोकल ऑयल, तो लाल घोड़ा जो इंजन ऑयल होता है सबसे ज़्यादा घटिया माना जाता है बाइकों के लिए, उससे भी ज़्यादा घटिया ऑयल तो ये होता है। कैसे? क्योंकि जो लोकल ऑयल सप्लाई का बेचा जाता है गाड़ी में, जो सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट, सबसे ज़्यादा लो ग्रेड का मिनरल ऑयल होता है, इसके अंदर कोई भी एडिटिव ऑयल मिक्स नहीं होता है, जो आपकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा सुरक्षित और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए इससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली नॉलेज क्या, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस गाड़ी की, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, ये वाला जो ऑयल है, देखो मैं आप काम करता हूँ, मैं इन दोनों डब्बे को मैं इस तरीके से पकड़ता हूँ, ठीक है, ऐसे करके आप इसकी फ़ोटो खींचना और मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज में मुझे व्हाट्सअप करना कि सर ये वाला ओरिजिनल है और ये वाला लोकल है। एक बार देखो, ये मेरे लेफ्ट वाले हाथ में है और ये मेरे राइट वाले हाथ में है, तो आपको मुझे ये बताना है राइट वाले हाथ का ऑयल ओरिजिनल है या लेफ्ट वाले हाथ का ओरिजिनल ऑयल है, ठीक है। दोनों को देख लो, ये वाला ऑयल देख लो एकदम परफेक्ट, ठीक है, और ये वाला ऑयल है, ठीक है, और इसको देख लो, इसको देख लो। इस वाले ऑयल को देंगे नाम बी, इसको देंगे ए, आपको बताना है ए ओरिजिनल है या बी ओरिजिनल है, ठीक है। ए के ऊपर 3X लिखा हुआ है और बी के ऊपर कैस्ट्रोल 15 ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, 15 ऑफ। तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहला पोजीशन, अपनी गाड़ी अपने मोबाइल के अंदर आप बारकोड स्कैनर डाउनलोड करो। बारकोड स्कैनर डाउनलोड करने के बाद आपके पीछे ये ऑयल डिब्बे के पीछे ये स्कैनर दिखता होगा, ये वाला, इसको स्कैन करो। इसको स्कैन करने के बाद कैस्ट्रोल एक्टिव की एक एप्लीकेशन खुलेगी, अगर उसमें लिखा रहा है ये ब्लैक लिस्टेड है तो समझ जाओ ये लोकल ऑयल है। अगर उसमें लग रहा है कि आपकी गाड़ी में सब कुछ ठीक आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, मैं उसका स्क्रीनशॉट साइड में दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑयल परफेक्ट है। और आपके बाद उसके बाद ही आईडी आपकी गाड़ी में, जो इंजन ऑयल की आईडी होती है वो आईडी डलती है गाड़ी के अंदर, मतलब उसके अंदर डलती है। शायद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आपको शायद दिख रही होगी,
ये देखो T750, ये देखो कोने में यहाँ पर एक नंबर होता है, ये नंबर उसमें डलता है, ठीक है, ये नंबर उसमें डलता है और ये सर्च होने के बाद आपका ये रिकमेंड मतलब पता लग जाता है कि और जो है लोकल है। बट काफ़ी सारे ऐसे मैकेनिक होते हैं जो अपनी गाड़ी में कस्टमर के भरोसे पर भी ऑयल डाल देते हैं, लोकल ऑयल डाल देते हैं। तो मैं उनसे एक छोटी सी उनको छोटी सी एक एडवाइस दूंगा, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका कस्टमर जो है ख़राब होगा, उसकी गाड़ी ख़राब होगी, ऐसा ना करें, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है छोटी सी, ठीक है ना। अब मैं काम करता हूँ, इन दोनों ऑयल को ऑयलों के मतलब इन दोनों डिब्बे के अंदर से ऑयल बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कौन से ऑयल में कितना ज़्यादा फ़र्क है और कौन सा ऑयल कितना ज़्यादा बेस्ट लग रहा है मुझे, पर्सनली मुझे लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये खोलेंगे 3X वाला, ठीक है, जिसमें 3X प्रोटेक्शन लिखी हुई है, ये वाला ऑयल हम खोलेंगे और एक ढक्कन में इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस ढक्कन को खोलते हैं, इस ढक्कन में पीछे से इसका जो कवर है इसको कुछ ऐसा निकला है और सामने ऊपर से रैपिंग रखी है इसकी, देख रहा हूँ, ठीक है, रैपिंग के ऊपर कैस्ट्रॉल की मार्किंग है, ठीक है ना। तो हम अभी हम इसको थोड़ा सा हल्का सा फाड़ देते हैं, ये मैंने इसको ओपन कर दिया और थोड़ा सा ऑयल इसमें मैंने डाल दिया, भाई दिखने में एकदम जेन्युइन लग रहा है, दिखने में एकदम जेन्युइन लग रहा है। अब वो ये ना इसको ऑयल को चेक करने के लिए विस्कोसिटी मीटर तो लाना पड़ेगा, अब उसमें बहुत तामझाम है। इसको रखता हूँ मैं यहाँ साइड में, ठीक है, अब ये वाला ऑयल खोलता हूँ मैं, ठीक है, इसकी सील मैंने खोल दी, ये इसका वही सेम ऐसा ही है, ठीक है, कैस्ट्रॉल की मार्किंग हो रखी है इसके ऊपर जो हमारा सिल्वर रैप होता है, और ये मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है ना। अब इसको मैं इसके अंदर से निकालता हूँ, तो भाई ये वाला जो डिब्बा था, एक डिब्बा जो था मेरे पास वो पड़ा था 310 रुपये का, और एक डिब्बा जो पड़ा था वो पड़ा था मेरे को 170 रुपये का, दोनों ही 900 ml के डिब्बे थे। उस एक ऑयल का डिब्बा मैंने यहाँ रखा है और दूसरा जो ऑयल है उसका जो ऑयल है मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ इधर की तरफ और आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आओ, एक ऑयल यहाँ है और एक ऑयल यहाँ है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके अंदर जो है, सबसे पहले तो ऑयल को चेक करने का मेरा जो खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या है, मैं सबसे पहले इस ऑयल को थोड़ा सा लूँगा और यहाँ लगाऊँगा इधर की तरफ, ठीक है, इसको करता रहूँगा इसको रब करने के बाद देखूंगा इसके जब पतला हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये पतला नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, काफ़ी स्मूथ है, ये पतला नहीं हो रहा है, इसकी चिकनाहट बनी हुई है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ये मेरा खुद का चेक करने का तरीका है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ही है, ठीक है। तो अब इसको साफ़ करता हूँ और दूसरा देखता हूँ मैं जब तक, और ये मैंने दूसरा देखा, अब मैं ये देखूंगा ये वाला ऑयल, ठीक है, ये वाला लिया मैंने और ये देखा। अगर मैं बात की जाए इस वाले ऑयल की तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है ऑयल, ये ऐसा लग रहा है सरसों का तेल नहीं होता, काफ़ी पतला है ऐसा लग रहा है ये, हाँ ये ऑयल थोड़ा रब कर रहा है, हाँ जब हम गाड़ी के ऑयल को ऐसे रब करते हैं ना हाथ के ऊपर हथेली के ऊपर, तो ऑयल जो है ना रब मतलब हमारी जो स्किन होती है ना ऐसे करके रगड़ती है, इस टाइप से ऐसे करके फील आता है इसमें अंदर, तो ये वही फील आ रहा है इसके अंदर, इसमें इस वाले में नहीं आ रहा था। तो ये जो डिब्बा है ये मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा डिब्बा था, ठीक है, एक बार आप भी मुझे कमेंट करके बताना। ये मैंने इसको इस तरीके से रब किया, ये भाई इसकी स्किन में भी रब, स्किन रब हो रही है मेरी, और स्किन रब होने के बाद ये जो ऑयल है हल्का हल्का पतला सा फील हो गया इसके अंदर। अब मैं ज़रा ऑयल लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ, ये वाला ऑयल का डिब्बा दिखाता हूँ आपको मैं, तो देखो भाई ये जो डिब्बा है ऑयल का, ये वाला जो डिब्बा है देख रहे हो, ये वाला डिब्बा ये तो है, ये वाला डिब्बा, ठीक है, और ये जो डिब्बा है, ये वाला डिब्बा ये तो है हमारा, ये डिब्बा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या थोड़ा सा कमी लग रही है, ठीक है। तो ये इसकी प्रीमियम लुकिंग देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, 15% ऑफ कैस्ट्रॉल एक्टिव। अगर आप चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, जो आपको ऑयल का डिब्बा मिला है कभी भी गूगल पर सर्च करना, जिस दिन आपको ऑयल डलवाना है उस दिन की आप अपनी गाड़ी में मतलब अपनी जो गूगल एप्लीकेशन होती है उससे लिख देना कैस्ट्रॉल एक्टिव न्यू अपडेट, और वो कैस्ट्रॉल एक्टिव का जो ऑयल आएगा वो न्यू अपडेट का ऑयल आ जाएगा, हम आपको पूरी कंप्लीट आपको स्क्रीन दिख जाएगी, इसकी प्रिंट दिख जाएगी, 15% ऑफ चल रहा है, कैस्ट्रॉल एक्टिव है, ये है इस तरीके से सब कुछ लिखा है, बहुत ही बारीकी से प्रीमियम लुक है। और ये यहाँ से देख लो API ऐसे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, बारकोड की स्पिनिंग से देखो प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे पार्ट नंबर दे रखा T760। अब इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसमें दे रखा है X9115, पर इसका पार्ट नंबर थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो ये जो पार्ट नंबर है कुछ अजीब सा दिख रहा है, प्लस इसकी
इसकी फिनिशिंग भी अच्छी नहीं है, इसकी फिनिशिंग देख रहे हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। MRP से 381 है और इस पर MRP 388 है। तो इन दोनों में से आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको लोकल कौन सा लग रहा है, ये वाला जिसको हमने बोला है बी या फिर ये वाला जिसको हमने बोला है ए। ठीक है, तो ये इसका बार कोड है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो बार कोड होता है इसके अंदर ब्लैक कलर की जो लाइन होती है वो स्कैन नहीं होती है, वाइट कलर की लाइन स्कैन होती है जो कि एक नंबर फेंकती है अपनी तरफ। ठीक है, ये मैंने एक वीडियो में देखा था। ठीक है, 750 ml, ये पूरी प्रॉपर यहाँ से फिनिशिंग दे रखी है और ये पूरी यहाँ इसमें नहीं दे रखी है, ये जो हमें लग रहा है ऐसा थोड़ा सा अजीब सा इसमें नहीं दे रखी है। ठीक है ना, तो ये भी कुछ अजीब सा है। इसका रैप का देख रहे थे पीछे का, तो ये हमारा पीछे से अच्छा, ये इसके अंदर भी दे रखा है पर इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही फिनिशिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर अगर देखें तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो फिनिशिंग के मामले में सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। इंजन ऑयल कंपनी सारी ही बेस्ट होती है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप जिस इंजन ऑयल कंपनी का ऑयल डलवा रहे हो वो कंपनी एक्चुअली में जेन्युइन है या नहीं है। जेन्युइन मतलब आपकी गाड़ी में जो ऑयल डाला जा रहा है वो सप्लाई का ऑयल तो नहीं है, वो लोकल ऑयल तो नहीं है। ऐसा भी आपको लगता है तो आप अपनी गाड़ी में उसी वक्त रुक जाओ और अपनी गाड़ी में ऑयल मत डलवाओ। ऑयल सप्लाई का डलने के बाद गाड़ी में सबसे ज़्यादा हीटिंग की प्रॉब्लम आती है और जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो ओवर आरपीएम होते हैं, और तो और उसके अलावा गाड़ी के इंजन की आवाज़ भी चेंज हो जाती है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक अलग ही फील आ जाती है गाड़ी में, स्पार्क प्लग बहुत ज़्यादा हीट करता है, इंजन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत जल्दी जल्दी कटते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम आप ऑयल चेंज कराते हो तो गाड़ी का ऑयल बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा कीचड़ जैसा निकलता है। तो ये होते हैं ऑयल की पहचान। बाकी अगर आप एक मैकेनिक हो तो आप अच्छे तरीके समझ जाओगे ऑयल लोकल डाला है या ऑरिजिनल डाला है। अगर आप एक मैकेनिक नहीं हो, एक राइडर हो, तो इस वीडियो को देख के आप मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो बेसिक समझ ही जाओगे। बाकी इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। कैस्ट्रॉल कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा इंजन ऑयल बनाती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो ऑरिजिनल ऑयल डल रहा है या लोकल डलवा है, क्योंकि जितना अच्छा ब्रांड उसकी उतनी ज़्यादा डुप्लीकेसी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल एडिडास, ठीक है, रीबॉक, पूमा, इन सब की कितनी ज़्यादा डुप्लीकेसी होती है, बट हम ऑरिजिनल पे जाते हैं तो हम एक प्रॉपर ब्रांड पे जाते हैं। ठीक है, ब्रांड मतलब एक ऑथोराइज पे जाते हैं, जो ऑथोराइज हमारा कैस्ट्रॉल डीलर होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर। अगर ये वीडियो से आपको जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा मेरे बॉक्स पर आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है, फोन नंबर है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।